हेलो दोस्तों, सुहाना किचन में आपका स्वागत है। आज हम अरबी की दही वाली सब्जी बनाने जा रहे हैंगे और हमारी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 250 ग्राम हम ये अरबी ले लिए हैंगे, ये देखिए। और इसको हम बॉईल करेंगे, इसको धो के अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो फिर बॉईल करते हैं, इसको धो लिए हैंगे अच्छे से। अब इसको कुकर में डाल के बॉईल करेंगे। इसमें हम पानी डाल लेंगे थोड़ा सा, और इसको बॉईल करने चढ़ा देंगे हम। 3 सीटी इसमें होने देंगे जब तक गल ना जाए। ये हमारी घुइयां बॉईल हो गई हैगी, ये देखिए अच्छे से हो गया है। अब इसको छील लेंगे, आराम से छीलना है, इसका छिलका निकालना है। छील लेंगे, बहुत जल्दी निकल जाता है, ये देखिए। ऐसे ही हम छील लेंगे, इसको भी हम ऐसे छील लेंगे। ये देखिए छिल गया, ऐसे ही हम सब छील लेंगे। देखिए हमारी, हम अरबी को पूरी छील लिए हैंगे। अब इसके पीस पीस कर लेंगे, ऐसे पीस काट लेंगे गोल गोल, ऐसे करके हम सब पीस काट लेंगे। हम एक पेस्ट बनाएंगे। 2 प्याज ले लिए हैंगे, इसको मिक्सी जार में डाल देंगे। 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, और इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमने ये पीस लिए हैं प्याज के पेस्ट को। इसमें हम हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची भी पीस लिए थे। ये हमारा पेस्ट तैयार है। हम एक और पेस्ट बनाएंगे। ये 1/2 कटोरी हम दही ले लिए, आप मठा छाछ कुछ भी ले सकते हैंगे। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। तो 1 टीस्पून के करीब हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हम हरी मिर्च भी डाले हैंगे, 1/6 टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे। 1/6 टीस्पून है गरम मसाला है ये। तो अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे। इसमें और पानी डालेंगे थोड़ा सा, और इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे जब तक हमारा मसाला भीगेगा फूलेगा। एक पैन ले लिया है, इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल लेंगे। 3 चम्मच के करीब हम तेल इसमें डाल दिए हैं, गरम होने देंगे। 3 तेज पत्ता ले लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, जीरा है खड़ा जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, 4 काली मिर्च, ये भी हम डाल देंगे। ये देखिए हमारा ये लाल हो गया। इसमें हम प्याज का पेस्ट लिए थे, ये भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से लाल करना है प्याज को, लाल होने देंगे इसको। ये देखिए हमारा प्याज में से तेल छोड़ दिया हैगा। अब मसाला डालेंगे हम, जो ये दही में फेंट के रखे थे, तो इसको हम डाल देंगे मसाले को। और आंच एकदम धीमी कर देंगे। ये सब हम डाल दिए हैं, और अच्छी तरह से इसको अब मसाले को भूंजना हैगा। धीमी आंच पे भी भूंजना है, ऐसे चलाते हुए दही फटे ना। ये बनता है टमाटर से, क्योंकि अभी टमाटर बहुत महंगा हो गया है, 140 रुपए किलो। तो हम दही डाल के बना रहे हैंगे। आप लोग के पास टमाटर हो तो टमाटर से बनाइएगा, टमाटर से भी बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये मसाले को ऐसे भूंज लेंगे हम। नमक स्वाद अनुसार हम डाल देंगे इसमें।
अब इसको अच्छी तरह से भूंज लेंगे। मसाला अच्छे से भूनना चाहिए, ऐसे भूंज लेंगे हम। हमारा मसाला भी देखिए अच्छे से भूंज गया है, तेल ऊपर आ गया है, ये देखिए कितना अच्छा मसाला भूंज गया। अब इसमें हम ये अभी डाल देंगे, ये दही वाली अरबी बना रहे हैं, ये बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए मसाला अच्छे से भूंज गया है, अब इसको भी अच्छे से इसमें डाल के अच्छी तरह से भूंज लेंगे, अरबी को मसाले में अच्छे से भूंज लेंगे। ये देखिए तेल छोड़ दिया हैगा, हमारी अरबी तेल छोड़ दी है, तो अब इसमें हम ग्रेवी के अनुसार हम पानी डालेंगे। इसमें आपको जितनी ग्रेवी रखना है उसके अनुसार आप पानी डालिए, पानी डाल के 2 मिनट तक इसको पकाएंगे और हमारी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी अरबी की। ये देखिए हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है अरबी की। अब इसमें हम थोड़ा धनिया पत्ती डालेंगे, गार्निश करेंगे। और ये हमारी अरबी की सब्जी बन के तैयार है, अब सर्व करेंगे गैस। ये हमारी अरबी की सब्जी बन के तैयार हो गई हैगी, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैगी। इसको गुइया आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं ये बताइएगा, गुइया भी बोलते हैं, अरबी भी, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट जरूर करिएगा, और ज़रूर से ये बताइए कि कैसा बना, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आज और भी हम अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, थैंक यू।